हेलो ऑफिसर्स, अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, होली मुबारक हो। ठीक है, आई होप आप सबने कलर खेले होंगे और अच्छे तरीके से खेले होंगे, सेफ तरीके से। ठीक है, आज के सेशन में हम डायरेक्शन डिस्टेंस पर एक पजल डिस्कस करने वाले हैं और उससे पहले हम डायरेक्शन डिस्टेंस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आएंगे हम पजल के ऊपर। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन दिखाना। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आप पहले इसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर हम यहाँ पर उसको डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया था, पॉइंट जे इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। जे जो है आर के 5 मीटर नॉर्थ में है, आर के 5 मीटर नॉर्थ में है। ठीक है, पॉइंट के इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जे। के जो है वो जे के 12 मीटर ईस्ट में है। पॉइंट एम इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट के। पॉइंट एम जो है के के 3 मीटर नॉर्थ में है, तो यहां पर एम आ जाएगा, यहां पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, आगे क्या दिया था हमें, पॉइंट एल इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एम। एल जो है वो एम के 18 मीटर वेस्ट में है, एम का वेस्ट डायरेक्शन ये आ जाएगा, तो एल यहां पर आ जाएगा और यहां पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 18 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या दिया था, पॉइंट डी एंड आर लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली। डी और आर जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब डी इस लाइन में कहां पर तो आना चाहिए था। आगे क्या दिया है देखते हैं, पॉइंट डी इज साउथ ऑफ पॉइंट एल। ओके, अब देखो एल के साउथ में है, मतलब यहां पर इस लाइन में, एल के साउथ में इस लाइन में कौन सा पॉइंट होना चाहिए था, हमारा पॉइंट डी होना चाहिए था और यहाँ पर आर के लाइन में होना चाहिए था, मतलब इन दोनों का जहाँ पर भी इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, आर के वेस्ट में और एल के साउथ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे हमारी डायग्राम बनी है। ये डिस्टेंस हमें निकाल, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस पूरा कितना था 18 मीटर, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 18 मीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं, ये 12 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 12। ये पूरी अगर 18 थी, इसमें से ये 12 चली जाएगी, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 6 मीटर। ये 5 मीटर है तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए था, 5 मीटर। अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं इनको देखते हैं। पहला हमें क्वेश्चन पूछा था कि डी और आर के बीच में डिस्टेंस क्या है। डी और आर के बीच में डिस्टेंस अभी हमने निकाल लिया, 6 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 6 मीटर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एल विथ रिस्पेक्ट टू जे। अब एल की डायरेक्शन पूछी है जे के रिस्पेक्ट में, जे के रिस्पेक्ट में एल कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, हमें क्या पूछा था, इन विच डायरेक्शन इज एल विथ रिस्पेक्ट टू जे, एल जे के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, जो कि हमारे पास है ऑप्शन ए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, नॉर्थ वेस्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या देखा था हमने, यहां पर हमें पूछा था यहां पर, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड आर। के और आर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ। इसको अगर हम x कंसिडर करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हम x के वैल्यू निकाल सकते थे, क्योंकि यहां पर यह राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, अब ये दो वैल्यू तो ऐसे होनी चाहिए, देखो दोस्तों ये पाइथागोरस की ट्रिपलेट की वैल्यू है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 144 प्लस 25 कितना होता है, 169, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 13। ठीक है, 5, 12, 13, ये पाइथागोरस का एक ट्रिपलेट होता है, अगर ये किसी को याद है तो कैलकुलेशन करने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं थी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल लिया था हमने डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, एक वार्म अप था अगली पजल की तरफ बढ़ने से पहले। अब आपके स्क्रीन पे पजल आएगी, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप खुद उसको ट्राई करेंगे, अगर ट्राई करने के बाद भी नहीं बनती है तो आगे इसका आगे देखेंगे हम, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, पजल दिखाना प्लीज। ओके, तो यहाँ पर इस पजल में हमें क्या क्या दिया था देखते हैं, पजल पढ़ते हैं क्या दिया है। देर आर 6 कार्स पार्क्ड इन अ पार्किंग एरिया, कार्स ए बी सी डी एफ, दे आर डिफरेंट वेट्स, ऑल आर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंसेस ईच अदर।
ठीक है, पहले पैराग्राफ में क्या दिया था, एक पार्किंग स्पेस में 6 कार्स खड़ी है और उनके अलग अलग वेट दिए हैं, ठीक है, उनके डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उनके वेट के बारे में, ठीक है। आगे दिया है, देयर इज नो कार इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ कार ए डी एंड ई। पॉइंट क्या कहता है, देखो पॉइंट कार जो ए डी एंड ई, ये जो कार्स है ए डी एंड ई, इनके वेस्ट में कोई भी कार नहीं होनी चाहिए। पॉइंट क्या कहता है, ए डी एंड ई इनके वेस्ट में कोई भी कार नहीं होनी चाहिए। आगे क्या दिया है, हेवीएस्ट कार इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ कार बी। यहां पर इस स्टेटमेंट में हमें डिस्टेंस के साथ साथ एक और चीज समझ में आनी चाहिए कि यहां पर उन कार्स की वेट को लेकर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हेवीएस्ट कार मतलब यहां पर इनके वेट को भी अरेंज करना है हमें, कितनी कार्स थी, 6 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्स थी, ठीक है। ये पॉइंट मैं थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट क्या था, ए डी और ई इनके वेस्ट में कोई भी कार नहीं होनी चाहिए थी, ओके। अब हमें दिया था हेवीएस्ट कार जो है वो बी के 12 मीटर नॉर्थ में है, चलो ठीक है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। बी के 12 मीटर नॉर्थ में कौन सी कार होनी चाहिए थी, हेवीएस्ट कार होनी चाहिए थी। ठीक है, यहां से एक और चीज समझ में आनी चाहिए थी, बी के नॉर्थ में अगर हेवीएस्ट है तो क्या भी हेवीएस्ट हो सकती है। यहां पर हम पैटर्न क्या फॉलो करेंगे, जो हेवीएस्ट कार है उसको यहां पर ले लेंगे और जैसे जैसे कार का वेट कम हो जाएगा उनको नीचे नीचे लेते आएंगे, ठीक है। यहां पर हेवीएस्ट और बी दोनों अलग दिख रही है, इसका मतलब ये साफ है ना कि बी कार जो है वो हेवीएस्ट नहीं हो सकती है ना। आगे क्या दिया है, देखो आगे हमें दिया था कार सी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ कार डी। कार सी जो है वो डी के 5 मीटर ईस्ट में है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। यहां पर पॉइंट क्या था हमारा, कार सी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ कार डी, डी के 5 मीटर ईस्ट में कार सी होनी चाहिए थी, ठीक है। और एक पॉइंट हमारे पास था कि ए डी और ई इनके वेस्ट में कोई भी कार नहीं होनी चाहिए थी, ओके। अब देखो ये पॉइंट हमें दिया है और आगे क्या दिया था हमें, लाइटेस्ट कार इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ कार डी। लाइटेस्ट कार जो है वो डी के नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में मतलब यहां पर होनी चाहिए, कौन सी कार, लाइटेस्ट कार, ठीक है। अब यहां से फिर से एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, यहां पर डी सी और लाइटेस्ट है ना, ये तीनों कार हमें अलग अलग दिखती है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर डी भी नहीं आ सकता है और सी भी नहीं आ सकता है, ठीक है। हमने पहले ही समझ लिया है कि यहां पर डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन के साथ साथ हमें उनके वेट से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है हम उनको उस इंफॉर्मेशन को, उसकी वेट को हम जहां पर कंपेयर कर रहे हैं वहां पर उसको रिलेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, देखो कार सी इज नॉट द हेवीएस्ट कार, कार सी हेवीएस्ट नहीं है, मतलब सी यहां पर नहीं आनी चाहिए थी, चलो ये बात तो ठीक है। आगे क्या दिया है, देखो कार डी इज सिचुएटेड समवेयर बिटवीन ई एंड बी वर्टिकली। यहां पर डी की पोजीशन दी है और क्या दिया है, डी जो है ई और बी के बीच में वर्टिकली लाए होता है। अब इन दोनों के बीच में वर्टिकली है, इसका मतलब ये तीनों भी पॉइंट क्या आने चाहिए थे, एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए थे, ठीक है। पर यहां पर बी और ई कौन आएगा ये कंफर्म हमें नहीं है। अब यहां पर अगर हम किसको भी लेते हैं तो यहां पर जो भी कार आएगी उस कार की डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में हमें क्लियर होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि अब तक हमें इनमें से किसी का भी डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस पता नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डॉट डॉट करके लिख करते हैं ताकि हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। ये लाइटेस्ट कार इसके ऊपर भी हो सकती थी, एग्जैक्टली इसके लाइन में भी हो सकती थी, या फिर अभी जैसे दिख रही है वैसे भी हो सकती थी,
ठीक है, यह हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इनके डिस्टेंसेस के वैल्यू हमें नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा सबको। आगे देखो क्या दिया था हमें, कार डी इज हेवियर देन बोथ ई एंड एफ। कार डी जो है, अब वेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है, वो क्या है, ई और एफ दोनों से हेवियर है। मतलब ई और एफ इन दोनों के इस फॉर्मेट में डी हमेशा क्या आनी चाहिए, ऊपर ही आनी चाहिए थी, है ना। आगे पॉइंट दिया था हमें, कार एफ इज द थर्ड हेवीएस्ट कार अमंग ऑल द कार्स। ठीक है, कार एफ जो है वो थर्ड हेवीएस्ट कार है, सबसे हेवीएस्ट, सेकेंड हेवीएस्ट एंड थर्ड हेवीएस्ट, यहां पर कौन आना, कौन सी कार आनी चाहिए थी, एफ। ठीक है, कार एफ जो थी थर्ड हेवीएस्ट कार थी एंड इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ थर्ड लाइटेस्ट कार। पॉइंट क्या दिया है, कार एफ जो है ये थर्ड लाइटेस्ट कार के 6 मीटर वेस्ट में है। पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड लाइटेस्ट कार के 6 मीटर वेस्ट में कौन सी कार होगी, कार एफ होगी। ठीक है, ई इज नॉट द थर्ड लाइटेस्ट कार, थर्ड लाइटेस्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइटेस्ट, यहां पर कौन सी कार नहीं आनी चाहिए थी, कार ई नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है सर, एक बार स्लाइड हटा देना। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, इसको हमें पूरा करना है। यहां पर हमारे पास कुछ कंडीशंस है जो वेट से रिलेटेड है, ओके, और कुछ कंडीशंस है जो उनके डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड है। हमें क्या करना है, कहां से ये चीजें पूरी हो सकती है ये देखना है। अब यहां पर कितनी कार्स हो चुकी है ये देखते हैं हम, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारे पास टोटल 6 कार थी, मतलब यहां पर एक कार आनी बाकी है, लाइटेस्ट, और ये कार अभी क्लियर होना बाकी है। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी हमारे पास सिर्फ एक के ही बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन है। अब यहां से अगर हम शुरुआत करते, शुरुआत कहां से करनी चाहिए थी, डायरेक्शन से करनी चाहिए थी या फिर उनके वेट से करनी चाहिए थी, ये तय कैसे करेंगे हम, अब ये तो ट्राई किए बगैर पता नहीं चलेगा, है ना। तो अगर हम डायरेक्शन से शुरुआत करते हैं, देखो यहां पर ये दोनों यहां पर ज्वाइन करने के लिए लाइटेस्ट और हेवीएस्ट पता होना जरूरी है, है ना। तो देखते हैं हम यहां पर ये कार्स हेवीएस्ट और लाइटेस्ट हमें पता चल सकती है कि नहीं। अब यहां पर सारी कार्स को चेक करते हैं, हेवीएस्ट कार को फाइनल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। ठीक है, अब कार ए आ सकती है क्या यहां पर, कार ए बिल्कुल भी आ सकती है क्योंकि यहां पर ए को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो कार ए आ सकती है, बी नहीं आएगी, सी भी नहीं आएगी। क्या कार डी यहां पर आ सकती है, कार डी भी बिल्कुल आ सकती थी, है ना। तो यहां पर या तो ए आएगी या फिर कार डी आएगी। ई को देखते हैं, कार ई यहां पर आ सकती थी क्या, कार ई यहां पर नहीं आ पाएगी क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट क्या था, ई के ऊपर डी होना चाहिए था। अगर हम यहां पर ई को ले लेंगे तो इसके ऊपर डी के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचेगी। इसका मतलब यहां पर कार ई भी नहीं आएगी, एफ तो ऑलरेडी आ चुकी है। इसका मतलब अब यहां पर हेवीएस्ट से रिलेटेड हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है। क्या मिली है, हेवीएस्ट कार या तो ए होगी या फिर डी होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ फाइनल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो बेहतर है जिन जगह पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस जगह पर फाइनल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर कौन कौन सी कार नहीं चाहिए थी, कार डी भी नहीं चाहिए थी, सी भी नहीं चाहिए थी। तो देखो कार ए ले सकते हैं क्या यहां पर हम, ओके, कार ए बिल्कुल ले सकते थे, कार ए लाइटेस्ट हो सकती थी क्योंकि यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है और बाकी जगह पर भी कहीं पर ए का जिक्र अभी नहीं है। कार बी को ले सकते थे क्या यहां पर हम, अब अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं तो कार बी और लाइटेस्ट कार इन दोनों की पोजीशन हमें अलग दिखाई दे रही है ना। मतलब अगर हम यहां पे नजर डालते हैं तो हमें यहां से पता चलता है कि कार बी और लाइटेस्ट ये दोनों अलग कार्स है, सेम नहीं हो सकती है। इसका मतलब कार बी यहां पर नहीं आ पाएगी। ठीक है, ए नहीं, ए आ सकती थी, बी नहीं आ पाएगी, सी और डी आएगी ही नहीं, ऐसा उन्होंने खुद इंफॉर्मेशन में दिया था। ठीक है, नहीं, इंफॉर्मेशन से हमने डिराइव किया था यहां पर सी और डी थे इसलिए, ओके। आगे ई और एफ के लिए चेक करते हैं। ई अगर हम देखते हैं तो यहां पर फिर से हमें ई दिखाई देता है, मतलब कार ई और लाइटेस्ट कार ये दोनों भी अलग अलग कार्स है। इसका मतलब यहां पर ई भी नहीं आएगा और एफ तो पहले ऊपर आ चुका था। इसका मतलब लाइटेस्ट कार कंफर्म हो गई, ये कार ए जो थी
यही तो हमारी लाइटेस्ट कार थी। क्लियर हुआ है? ठीक है, अगर आप में से कोई लोग पजल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत की है, उनके पजल्स अगर नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा क्या कह रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान दो। पजल में आप जब भी ट्रायल एंड एरर शुरू करोगे, आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो बार बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करते चलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए कार तो फाइनल हो गई, कार ए फाइनल हो गई है मतलब यहाँ पर 100% कार कौन सी आनी चाहिए थी? डी आनी चाहिए थी, क्योंकि ए तो आ नहीं सकती, ए तो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब ए और डी फाइनल हो गए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर कौन सी कार नहीं आ सकती थी? ई। ए भी नहीं आ सकती है। ठीक है, ए के बाद बी आ सकता था यहाँ पर, सी, कार सी आ सकती थी क्या यहाँ पर? थर्ड लाइटेस्ट कार यहाँ पर है, देखते हैं। अब हम थर्ड लाइटेस्ट कार को फाइनल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? ओके, यहां पर बढ़ने से पहले एक चीज हमें क्लियर हो जाएगी कि ये जो हेवीएस्ट कार थी ये बी के नॉर्थ में होनी चाहिए। मतलब हेवीएस्ट कार यहां पर कौन सी होनी चाहिए थी? कार डी होनी चाहिए थी। कार डी जो है बी के नॉर्थ में 12 मीटर, इसका मतलब बी कंफर्म यहां पर आना चाहिए था और ई कंफर्म ऊपर आना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर यह 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हमने कवर कर लिया है, इसका अभी कुछ काम नहीं है। थर्ड लाइटेस्ट कार, थर्ड लाइटेस्ट कार को कार के वेस्ट में हमें एफ को लेना है। यहाँ पर ए नहीं आ सकता था, ए यहाँ पर लिया हमने। बी ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, बी के वेस्ट में कार एफ आ सकती है। ठीक है, सी ले सकते हैं क्या? सी नहीं ले सकते क्योंकि सी के वेस्ट में 6 मीटर अगर हम एफ को करते हैं। ठीक है, अगर सी को हमने थर्ड लाइटेस्ट कार कर दिया मान लो, तो सी के वेस्ट में 6 मीटर एफ होनी चाहिए थी। C के वेस्ट में 6 मीटर F मतलब वो D के वेस्ट में हो जाती है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 5, एक और मीटर यहाँ पर F आ जाता। ठीक है, यहाँ पर D के वेस्ट में कार F हो जाती, पर D के वेस्ट में कोई कार हमें अलाउड है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड लाइटेस्ट कार कौन सी नहीं हो सकती? C नहीं हो सकती, क्योंकि उस केस में D के वेस्ट में एक कार आ रही थी, तो यहाँ पर कौन सी नहीं आएगी? C भी नहीं आएगी। ठीक है, यहां पर बी आ सकती थी, हमने देखा था यहां पर बी आ सकती थी कार, हमने देखा था, यहां पर सी नहीं आएगी, अभी देखा हमने। ठीक है, डी लेंगे तो डी के वेस्ट में हमें अलाउड ही नहीं है। ठीक है, ई अगर लेते हैं तो ई के वेस्ट में भी हमें कोई कार नहीं लेनी है, तो ई भी नहीं आएगा, एफ आ ही नहीं सकता, तो यहां पर यह कार कौन सी कंफर्म हो जाएगी? यहां पर कार बी कंफर्म हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो ये दोनों पोजीशंस हमें वेट में फाइनल करने थे। ठीक है, कौन कौन सी कार बची है हमारे पास? अभी कार बची है कार सी एंड कार ई। इन दोनों की वेट से रिलेटेड हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हम बिल्कुल भी फाइनल नहीं कर सकते। सी और ई यहाँ पर कहीं पे भी आ सकता है। अगर सी सेकेंड हेवीएस्ट हुई तो ई सेकेंड लाइटेस्ट होगी, अगर ई सेकेंड हेवीएस्ट हुई तो सी सेकेंड लाइटेस्ट होगी। ठीक है, तो यहां पर हमें उनके वेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिली है। डायरेक्शन में थर्ड लाइटेस्ट कार बी थी, उसके 6 मीटर वेस्ट में कौन कौन सी कार होनी चाहिए थी? एफ। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ये डायरेक्शन से रिलेटेड हमारा ये मैप बन जाएगा और वेट से रिलेटेड हमारा ये मैप बन जाएगा। ठीक है सर, स्लाइड दिखाना प्लीज। अब क्वेश्चंस के आंसर करते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था हमें? बी और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था? अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है हमें, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाइथागोरस से निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? ये 13 आ जाएगा, 144 प्लस 25, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 13। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कार इज सेकेंड हेवीएस्ट कार? सेकेंड हेवीएस्ट, दूसरी सबसे वजनदार कार। सी और ई, यहाँ पर हमारे पास सेकेंड हेवीएस्ट कार कौन सी है इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर सी और ई आंसर हो सकता है। सी है हमारे पास ऑप्शन ए में, ई है हमारे पास ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? आइदर ए और सी। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। What is the direction of car A with respect to car E? अब ये तो आसान है, A की direction E के respect में। Okay?
ए लाइटेस्ट कार थी तो लाइटेस्ट कार यहाँ पर आनी चाहिए थी। अब ई के रिस्पेक्ट में हमें ए की डायरेक्शन चाहिए, तो क्या यह डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाएगी? क्या ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है ना, हमने ये लाइन डॉटेड क्यों निकाली है? क्योंकि ई की डायरेक्शन यहाँ पर जो भी कार आएगी इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पर होगी हमें पता नहीं होगा, हमें डिस्टेंसेज मालूम नहीं है, तो इसका आंसर साउथ वेस्ट नहीं होगा, इसका आंसर आना चाहिए था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कार इज द लाइटेस्ट कार? लाइटेस्ट कार कौन सी है हमारे पास? कार ए। सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज। आठवां क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए? सी की डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में, अब ये कन्फर्म है, ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सर हमारे पास? ओके, चलो, तो पजल के ऊपर हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस जो कि एडवांस डायरेक्शन डिस्टेंस मतलब मेंस में आ रहा है, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी एक पजल देखी है। ठीक है, पजल में ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम वहां पर ही आती है जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, कंडीशंस रिलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी इंफॉर्मेशन हर पॉसिबल तरीके से रिलेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, तो इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते रहिएगा, हम मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, आप सबको होली की फिर से एक बार शुभकामनाएं, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।